सभी का हेल्पफुल क्वेश्चन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का आप लोग इन पासपोर्ट कैसे चेंज करेंगे। ओके, अगर आप लोग इन पासपोर्ट भूल गए हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर ppup.ac.in पैनल लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिलेगा, डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करके इस पेज पर आ सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपको मिल जाता है एडमिशन पोर्टल का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाए। ओके, अभी तक अगर आप यूजी के लिए एडमिशन फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं BSc BCom के लिए, ओके, तो लिंक आपको जो एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख जो है स्टेप बाई स्टेप BA BSc BCom के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर आपको लॉगिन पासवर्ड चेंज करने के लिए यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद जो है अगर आपको यहाँ पर यूजर नेम और यहाँ पर पासवर्ड और ये जो कैप्चा आपको शो कर रहा है कैप्चा आपको इस बॉक्स में देख इंटर करने वाले लॉगिन कर लेना है। अगर आप यहाँ पर पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड कैसे चेंज करना है, तो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं इफ़ यू हैव लॉस्ट योर लॉगिन पासवर्ड, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रीसेट लॉगिन लॉगिन पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो इस ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सिंपली आपको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दसवीं का रोल नंबर इंटर कर देना है, तो यहाँ पर जो है आपको टेंथ का रोल नंबर जो है फिल कर देना है। यहाँ पर आपको जो है दसवीं उत्तीर्ण वर्ष आपको नंबर फिल करना है और यहाँ पर आपको बोर्ड जो है सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर बारहवीं का जो है रोल नंबर इंटर कर देना है। यहाँ पर बारहवीं आप किस साल पास हुए हैं ये आपको यहाँ पर इंटर करना है। ये जो कैप्चा शो कर रहा है कैप्चा आपको इस बॉक्स में इंटर करना है और यहाँ पर गेट लॉग इन पासपोर्ट पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर कुछ समय वेट करना है। यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर दो तीन बार ट्राई कर चुका हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं अनेबल टू वेरीफाई योर डिटेल्स प्लीज ट्राई अगेन लेटर। ओके, तो आपको यहाँ पर जो थोड़ा देर बाद अगर इस तरह का एरर आता है तो थोड़ा देर बाद ट्राई करना है। जैसे ही आप यहाँ पर जो है यहाँ पर देख सकते हैं गेट लॉग इन पासपोर्ट आपको क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर पर जो है पासपोर्ट भेज दिया जाएगा। तो आप इस तरह से बहुत ही आसानी से पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में लॉग इन पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं अगर आप पासपोर्ट खोल गए हैं। ओके, तो ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कीजिए लाइक और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करे। थैंक यू फ्रेंड्स।